नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि हर जरूरी चीज के दाम आसमान को छू रहे हैं। चाहे वो पेट्रोल हो जिसके दाम 70 रुपए से शुरू होकर आज 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। कोई भी दाल 150 से 200 रुपए किलो से सस्ती नहीं है। सब्जियां के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूध, ब्रेड, अंडे, ये जो तमाम चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, इनके दाम आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो चुनाव में जो मुद्दे इस समय बिखरे पड़े हैं, जो विपक्ष पक्ष और तमाम जो नेता हैं मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनमें से महंगाई का मुद्दा किसी भी राज्य में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी विपक्षी दल या विपक्षी नेता महंगाई के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसको लगता नहीं है कि एक बहुत अहम मुद्दा है महंगाई का और आम आदमी इससे बहुत ज्यादा त्रस्त है, इसलिए इस पर बात होनी चाहिए? या पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है? कोई भी दल नहीं चाहता है कि महंगाई पर काबू पाया जाए, क्या ये मामला है? क्योंकि अगर आप देखें, पांच राज्यों में जिन पर चुनाव होने वाले हैं, अगर उनका एक एक करके हम एक एक करके एक उनके बारे में बात करें, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर जातिवादी धर्म के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा भुनाए जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन बेस क्या होता है? धर्म होती है, जाति होती है। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं किसान आंदोलन के दौरान, उस पर जो है उन बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। गोवा की बात करें और मणिपुर की बात करें तो वहां पे दल बदल अभी तक इतना ज्यादा है कि पता चल रहा है कि इस दल के नेता ने वो दल ज्वाइन कर लिया, उस दल के नेता ने वो दल ज्वाइन कर लिया, और ज्यादातर जो दल है आपस में ही भिड़े हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे के एमएलए आपस में एक दूसरे दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, तो वहां ये मुद्दे ज्यादा गरमाए हुए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वहां पे नेताओं को रूठने मनाने का दौर बहुत ज्यादा है। हाल फिलहाल में हरीश रावत को देख लीजिए, या बीजेपी के जो नेता है वहां पे रावत, उनको देख लीजिए, उनको पहले वो रूठे फिर उनको मनाया गया, और इस पर ही जो है चर्चा गर्मी रही वहां पर पे, और ये मुद्दे ज्यादा अहम रहे। पंजाब की बात करें तो वहां चन्नी वर्सेस सिद्धू, ये ऐसा मुद्दा जो हमेशा गरमाया रहता है, क्योंकि चन्नी जी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी सिद्धू बोल देते हैं, जिसको लेकर जो वहां के नेता हैं वो दिल्ली तक की दौड़ लगाते हैं। लेकिन इन सब के बीच महंगाई का मुद्दा बहुत कम ही सुनने में आ रहा है। कोई भी कम ही ऐसे नेता हैं जो अपने भाषणों में महंगाई की जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई जो है आसमान को छू रही है, इसलिए जनता को बीजेपी को हटाना है। ये बातें कम सुनाई दे रही हैं, या तो कम सुनाई दे रही है या उनकी कवरेज नहीं हो रही है। और इन्हीं बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की है। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर जी हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले राशिद अलवी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, आप नहीं समझते कि पांच राज्यों में जिसमें चुनाव होने वाले, महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा ही नहीं रहा है। यूपी और पंजाब जो बहुत ही अहम राज्य हैं, और कहा जाता है कि खास करके यूपी कि कहा जाता है जिसने यूपी जीत लिया उसने केंद्र जीत लिया, लेकिन यूपी में कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाने की बजाय और चीजों में उलझी पड़ी। और हाल फिलहाल में जो रैलियां की गई है, रैली की है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी में, और जो स्टैम्पीड हुआ है वहां पे, ऐसे मुद्दे ज्यादा उठ रहे हैं कि हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको फ्री ये देंगे, मैं लड़की हूं लड़ नहीं सकती, ये सब मुद्दे सामने आ रहे हैं। महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं विपक्ष के लोग? देश का बड़ा मुद्दा है, चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहेगा। खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा चली गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $70, $72, $73 पर बैरल है। अगर कैलकुलेट करें तो पेट्रोल डीजल की कीमत 35 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं होती है। देश का प्रधानमंत्री 3 गुने कीमत पे गरीब लोगों को पेट्रोल और डीजल दे रहा है। देश के लोगों को इतनी भारी कीमत पे पेट्रोल और डीजल दे रहा है। विपक्ष हमेशा ये मुद्दा उठाता रहा। कांग्रेस पार्टी ने अभी जयपुर के अंदर महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली की थी, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है, हमारा मीडिया इस तरीके की विपक्ष की खबरों को दबा देता है। एक आम माहौल बना हुआ है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा। पिछले 7-8 सालों में टीवी चैनल्स पे किन बातों पर बहस होती है? क्या महंगाई पे कभी बहस होती है? क्या बेरोजगारी पर बहस होती है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बहस होती है? बहस होती है हिंदू मुसलमान पे, बहस होती है मुगल बादशाहों पे, बहस होती है कन्वर्जन पे, बहस होती है मौलवियों के बयानात पे, बहस होती है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जानबूझ के नफरत फैलाने वाले बयानात देते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उठाता रहा है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद और कम्युनलिज्म विपक्ष नहीं कर रहा है, यह काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि अवैसी देश के बड़े नेता हैं, हिंदुस्तान के लोग उनको एक मामूली सा पार्लियामेंट का मेंबर मानते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनको देश का बड़ा नेता मानते हैं। और उनका कहना है कि वो एक समुदाय को पोलराइज कर रहे हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इन बयान का? ये कम्युनलिज्म नहीं है तो क्या है? अवैसी और भारतीय जनता पार्टी मिलीजुली कुश्ती लड़ रही है, इन लोगों को सत्ता का लालच। तो राशिद जी का आरोप सीधा मीडिया पर है। उनका कहना है कि कांग्रेस तो ऐसे मुद्दे बड़ा बराबर उठाता है, जयपुर में एक रैली की है, लेकिन बहुत कम मुद्दे मीडिया में दिखाए जाते हैं और मीडिया जो है एक पक्षीय होकर न्यूज दिखाता है, जबकि कांग्रेस लगातार प्रयत्न कर रहा है। और जहां तक उनका यह भी कहना है कि यूपी में अगर हम जात पात और धर्म के मुद्दे उठ रहे हैं तो इसका भी कारण जो है बीजेपी है, बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे में लोगों को उलझाए रखना चाहता है। और राशिद जी का कहना है कि महंगाई के मुद्दे तो कांग्रेस लगातार उठाती आ रही है और रहेगी आने वाले समय में। रुख करते हैं हबीब अख्तर जी का, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक इन्होंने सेवा की है, बहुत लंबे समय से ये राजनीति में जुड़े हुए हैं, एक एक बारीकियों को समझते हैं ये हर दल की। तो हबीब जी क्या कहेंगे आप? आपको नहीं लगता, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कोई भी दल, विपक्ष का जो दल है, जो हम कहते हैं मेन दल इस समय है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, और खास तौर पर यूपी में अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाओं पर आधारित जो मुद्दे हैं ज्यादा उन पर चर्चा हो रही है, उनको भुनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी अप्रिसिएशन राम मंदिर को लेकर और कामों को लेकर हो रही है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं महंगाई को नहीं उठा पा रहा है, उसको भुनाने की कोशिश नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आपको याद होगा आपने तो शीला दीक्षित की सरकार भी कवर की थी कि शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया था, लेकिन क्योंकि देश में इतनी ज्यादा महंगाई उस समय थी, प्याज के दाम इतने बढ़ गए थे, और जिस कारण दिल्ली में शीला दीक्षित को अपनी सीट गंवानी पड़ गई थी महंगाई के कारण, क्योंकि देश में इतनी महंगाई थी, लोगों में इतना गुस्सा था कि शीला दीक्षित का अच्छा काम भी लोगों को सामने नहीं दिखा और महंगाई के मुद्दे पर सरकार ढह गई। लेकिन क्या कारण है कि इन चुनावों में कोई भी विपक्ष का दल महंगाई के मुद्दे को नहीं उठा रहा है? अनुजी, राजनीतिक दल दरअसल सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। अगर वो सत्ता सिर्फ ना पाना चाहें तो जितने साल शासन कर चुके वो, उतने साल में लोगों का जीवन बेहतर कर सकते थे। ये रियायत, वजीफा, निःशुल्क तो देंगे, देते हैं, उसकी घोषणा करेंगे, लेकिन महंगाई ये दूर करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो है लाभ, इंटरेस्ट, डिविडेंड पे चुकी, डिविडेंड पर आधारित है। तो ये क्यों चाहेंगे कि महंगाई घटे? महंगाई घटे का मतलब यह है पूंजीपतियों का थोड़ा बहुत नुकसान, और पूंजीपतियों का ये हक साधना चाहते हैं, उनका स्वार्थ साधना चाहते हैं, ये जनता का हक पूरा नहीं करना चाहते हैं। अब बताइए, इतने साल हो गए लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, इसके लिए तो कोई बहाना नहीं है, ये खुद इसका कीमत कम कर सकते हैं, इस पर जितने टैक्स ले रहे हैं वो कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं,
कर ही नहीं रहे हैं, न करना चाहते हैं। हम चिल्लाएं, आप चिल्लाएं, दूसरे दल चिल्लाएं, क्या कोई दल ये घोषणा कर सकता है कि आने वाले वक्त में ये कभी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे? पेट्रोल पर आवागमन के साधन आधारित हैं, डीजल, पेट्रोल, इसके साथ की जुड़ी हुई बाकी चीजें। अगर आवागमन सस्ता होगा तो वितरण जिन सामानों का, उपभोक्ता वस्तुओं का हो रहा है, उस पे खर्च कम आएगा, लागत कम आएगी और वो सस्ती होंगी। लेकिन ये चाहते नहीं। दूसरी बात ये कि मैं देखता हूं महंगाई का असर रैलियों पर बिल्कुल नहीं है। कैसे? वैसे ही महंगे झंडे, वैसे ही महंगे बैनर, वैसे ही महंगे सारे लाउडस्पीकर, दरी, चांदनी, कुर्सियां, सोफे, स्टेज, एयर कंडीशन, ब्लोअर, ये सब लग रहे हैं और ये महंगे हैं। ये कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च की वसूली किससे होगी? हमसे, आपसे। हम लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, आप भी टैक्स देने वाले हैं, और जो लोग भी इसके ऊपर इस चैनल पर आ रहे हैं वो टैक्स देने वाले हैं, और हमारे टैक्स का पैसा अनाप शनाप खर्च हो रहा है। दरअसल ये उदारवादी अर्थव्यवस्था का क्या देन है, ये पूंजीवादियों की देन है। इसमें महंगाई बढ़ना उनका फायदा है। हिंदुस्तान जीवित है अगर इस वक्त या लंबे समय से, उसकी वजह है जानते हैं आप? उसकी वजह है हमारी कृषि। इस कृषि पर हमला हो रहा था, तीन कानून बने थे, उसे वापस लेना पड़ा। अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हमारे किसान जो हैं उनकी तबाही बर्बादी होती, और हमारे पास जो खाद्य वस्तुएं, मैं मानता हूं दुनिया की सारी चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन खाद्य वस्तुएं उस गति से नहीं महंगी हुई हैं। इसलिए हमारा जीवन चाहे कुपोषण में है, चल रहा है, चल रहा है, सिर्फ कृषि व्यवस्था की देन की वजह से। बची हुई खेती हमको सहारा दे रही है, किसान हमको सहारा दे रहे हैं। कोई सरकार हमें ये बताना नहीं चाहती कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बताए ना, वो इसे क्यों नहीं रोक पा रही है और रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? रोजगार उसको देना चाहिए। हमारे पास टेक्नोक्रेट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, अनेक शोधकर्ता, कॉरपोरेट प्रैक्टिस करने वाले लोग मौजूद हैं, फिर भी हम ये जो मुफ्त खैरात पूरे देश में बांटने की बात करते हैं, चुनाव में लैपटॉप बांटेंगे, साइकिल बांटेंगे, कोई मोटरसाइकिल बांटने की बात करेगा, 1,000 रुपया महिलाओं को देने की बात करेगा, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात करेगा, मुझे एक बात बताइए, ये जो पैसा लग रहा है, इस पैसे से कोई निर्धारित योजना दूरगामी व्यवसाय की क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्या हमारे इंजीनियर्स, हमारे विशेषज्ञ सक्षम नहीं हैं? अगर वो योजनाएं बनाई जाती हैं, स्थायी रूप से रोजगार होगा, लोगों के हाथ में काम होगा, जिसके हाथ में काम होगा उसके हाथ में पैसे आएंगे, पैसे जिसके हाथ में आएंगे वो उसे खर्च कर पाएगा। आप लोगों को कंगाल बनाना चाहते हैं, लोगों को कंगाल मत बनाइए।
जिस लेवल पे आप महंगाई घटा सकते हैं घटाइए। महंगाई घटाने का आसान तरीका ये है कि लोगों को रोजगार दीजिए। सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, मत दीजिए। उत्पादन के साधन बढ़ाइए, बाजार बढ़ाइए। दुनिया भर की चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, हमारी चीजें दुनिया भर में क्यों नहीं जा सकती? जानी चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए। और महंगाई सच में जानलेवा है, ये बात इनको समझ में नहीं आती किसी राजनीतिक दल को। लोग टालते हैं, अगले साल गर्म कपड़े ले लेंगे, कल नहीं परसों भरपेट खाना खा लेंगे, अगले साल तुझे नई वर्दी दिलाएंगे, मतलब अगले साल साइकिल दिला देंगे तुमको। मतलब ये हर साल टलता रहता है आम परिवारों के अंदर। पुराने कपड़े, पुराने बिस्तर, पुरानी साइकिल, बिना साइकिल पैदल, जूते बिना जूते जीवन चल रहा है। और आप चीज़ों को महंगा करते जा रहे हैं। जितनी पगार नहीं है दैनिक लोगों की, उससे ज़्यादा एक दिन का खर्च है। आप बिजली सस्ती कर देंगे, मुफ्त में कर देंगे, राशन दे देंगे, आप उनके लिए अगर रोजगार करेंगे उन्हीं पैसों से, तो वो उस राशन को पकाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था कर पाएंगे, बिजली की व्यवस्था कर पाएंगे, अपने कपड़े सिलवा पाएंगे, आने जाने के साधनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो सब्सिडी आप दिल्ली के अंदर या बाकी जगह पर औरतों को घूमने फिरने की दे रहे हैं, वो रोक लीजिए और योजना बनाइए। महंगाई घटेगी, महंगाई हटाना देश की बहुत जरूरत है। तो बहुत लंबी स्पीच दी, लेकिन 3-4 बहुत ही अहम बिंदुओं को उठाया है हबीब अख्तर ने। सबसे पहले कि कोई भी दल नहीं चाहता, सभी दल को लपेट लिया है, कोई भी दल नहीं चाहता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि पूंजीपतियों को नुकसान हो, क्योंकि पार्टी का फंड और जो खर्चे हो रहे हैं चुनाव में, जो उन्होंने गिनवा भी दिए हैं कि किसी भी पार्टी के प्रचार में जो देखिए जो खर्चे हो रहे हैं वो कहां से पैसा आता है, तो कोई भी दल ये नहीं चाहता है कि महंगाई कम हो। दूसरा, कोई भी दल क्या ये घोषणा कर सकता है कि करता है अपने और करता भी नहीं है? किसी ने ये वादा नहीं किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल और डीजल के जो उनके राज्य में कम कर दिए जाएंगे, तमाम टैक्स वो वापस ले लेंगे, ये किसी ने नहीं कहा है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका भी जवाब देने में कोई भी दल समर्थ नहीं है। किसी भी दल के जो नेता है जब वो भाषण देते हैं, कोई भी इस बात पर चर्चा नहीं करता है। और चौथा अहम बिंदु जो हबीब जी ने उठाया, बहुत ही अहम बिंदु है कि हर दल, अगर आप चाहे देखो, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, हर दल इस समय बांटने में लगा हुआ है, लुभाने में लगा हुआ है। लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, पेंशन देंगे, पैसा देंगे, एक बार सत्ता में आ जाएं। लेकिन कोई दल ये बात नहीं करता कि हम महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि हमारा देश तरक्की की राह पर चले। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो, या और छोटे मोटे जितने भी दल हैं, कोई भी इस तरफ बात नहीं करता। हर कोई लुभाने में लगा हुआ है जनता को, उनको फंसाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, शायद हम ये अच्छी तरह से जान गए हैं, आप और हम, कि इस समय, आज के समय में हमारा वोटर बहुत ज्यादा चतुर है, होशियार है, उसको पता है कौन कितने झूठे वादे कर रहा है, और पुराने वादे जो पूरे नहीं किए हैं अब नए वादे कर रहा है। तो हमारा वोटर बहुत ज्यादा होशियार है। इसलिए मुझे लगता है कि जो सभी दलों को ऐसे मुद्दों पर जरूर चर्चा करनी चाहिए जो रेलिवेंट हैं आज के समय में, और महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। और अगर हम यूपी की बात करें और पंजाब की बात करें, क्योंकि बड़े राज्य हैं, यहां पे ये मुद्दे उठने चाहिए। खास तौर पे अगर हम यूपी की बात करें, अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, यूपी में योगी के टक्कर में भी खड़े हैं, और तमाम सर्वे जो हुए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि योगी को कोई टक्कर दे सकता है तो अखिलेश यादव दे सकते हैं। लेकिन महंगाई का मुद्दा जो है उठाने में अखिलेश यादव इतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो जरूरी है इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि जनता की नब्ज जो है इसी मुद्दे पर टिकी हुई है। जनता बहुत ज्यादा परेशान है महंगाई से। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर आपसे बात की जाए एक्सपर्ट्स के जरिए, जो कुछ अनटच्ड है, जिन पर चर्चा ज्यादा नहीं होती है। और उम्मीद है हमारे ये प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। तो आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।